हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है प्रताप लक के चैनल में। दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की तो अभी टेस्ट ड्राइव हो रहा है। आपके शहर में हुआ है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। क्योंकि दोस्तों, को बहुत सारे कमेंट करते हैं कि भाई हमें तो जलन हो रहा है कि बड़े बड़े सिटी में हो रहा है, जैसे कि अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में हो रहा है, तो हमारे शहर में कब आएगा। तो दोस्तों, इतना कहूँगा आपको, जब मेल आ जाएगा उनके तरफ से तो वो आपके शहर में आ जाएगी टेस्ट ड्राइव के ऑप्शन। तो आपको तो अभी तक मेल, शायद छोटे मोटे शहर में जो रहते हैं उनको मेल आया नहीं होगा। तो अभी आप दोस्तों गुस्सा मत कीजिए, बहुत जल्द आने वाला है। क्योंकि दोस्तों, 2-3 दिन तो उसका टेस्ट ड्राइव नहीं होगा, बहुत दिन चलने वाला है, मतलब 15-20 दिन तो चलने वाला है उसे टेस्ट ड्राइव ऑप्शन का। तो आप दोस्तों कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि भाई हमने सिर्फ 499 पे करे हैं और इसका जो 20,000 की पेमेंट नहीं दिए हैं, क्या हम टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, बहुत सारे कमेंट करते हैं। हाँ दोस्तों, क्यों नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। क्योंकि ओला सबको प्रोवाइड कर रहा है कि हमारे स्कूटर को पहले देखो कैसा चल रहा है, कैसा आपको फीलिंग आ रही है, आप अगर ड्राइव करते हैं आपको अच्छा फीलिंग होता है या नहीं, कंफर्टेबल लगता है या नहीं, तो सारे चीज़ आप दोस्तों पहले देख लेना, उसके बाद स्कूटर खरीद लेना। तो उनका फंडा यही है, उनका क्लियर है कि हमारे स्कूटर को पहले आप चला लो, देख लो, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो खरीदना। तो अगर आप 499 का पे कर चुके हैं और आप दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, तो आप दोस्तों सर्च कर लेना testdrive.olaelectric.com। तो ए साइड में जाकर आप दोस्तों अपना मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी डाल सकते हो और मेल कर सकते हो। आप अगर टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं तो जब वो रिस्पॉन्स करेंगे आपको मेल आ जाएंगे या फिर फ़ोन कॉल आ जाएंगे उनके तरफ से। आप दोस्तों जहां पर भी आपका टेस्ट ड्राइव होगा, आपके लोकेशन वहां पर कोई कहां पर भी होगा, तो वहां जाके आप दोस्तों टेस्ट ड्राइव कर सकते हो। और भी बहुत सारे कमेंट करते हैं, जैसे कि पिछले बार मैंने आपको एक बात बताई थी कि कुछ लोग हैं जो बेंगलोर में रहते हैं और उनका जो आधार कार्ड वो उड़ीसा से है या फिर कोई कहां पर से है, बेंगलोर से है पर वो मुंबई में बिलोंग्स करते हैं। तो उनका जो वो काम करते हैं तो उनका जो प्रॉपरली लोकेशन है तो वहाँ पर तो स्कूटर पहुँचेगा, यानी आपके जो आधार कार्ड है तो उसके डायरेक्शन में जाकर वो तो अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रोवाइड करेंगे। तो अगर वहाँ पर आप रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो आप स्कूटर कैसे पाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारे वो कमेंट करते हैं। तो उन दोस्तों को मैं यही कहूँगा कि आपके लोकेशन में आप चले जाना डिलीवरी होने से पहले, या फिर अगर वहाँ पर है कोई भी काम है तो आप olaelectrichelp.com में आप जाकर उनके साथ बात कीजिएगा। तो वो कुछ भी कहेंगे, अगर आपका लोकेशन, मतलब कि आपका प्रेजेंट लोकेशन अगर आपको ऐड करना है तो वो आप दे देना, तो आप जहाँ पर हैं वहाँ दे देना, या फिर आपको जो भी उनके तरफ से आएगा वो जो भी कहेंगे आपको वो करना होगा, नहीं तो आपका डिलीवर में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और दोस्तों, आधार कार्ड इसलिए वो लिए हैं आधार कार्ड लोकेशन के हिसाब से, क्योंकि अगर आपका आधार कार्ड आप सही नहीं दोगे तो आपका लोकेशन बस दे दोगे तो आपका ऑफिस एड्रेस जो भी है वहाँ पर आप रहते हैं तो उनका अगर आप दे देते हैं तो आपको सब्सिडी जो है फेम सब्सिडी गवर्नमेंट के तरफ से वो आपको शायद नहीं मिल सकेगा। तो इसलिए उनके प्रपोजल से तो वो लेते हैं आपका आधार कार्ड, ताकि आपको अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हैं ओला इलेक्ट्रिक तो आपको फेम सब्सिडी की सुविधा आपको मिले, तो इसलिए वो आधार कार्ड लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप आधार कार्ड के लोकेशन के हिसाब से डिलीवर पाते हैं तो आपको बहुत अच्छा होगा। और बहुत सारे कमेंट करते हैं भाई हमें ईएमआई के ऑप्शन के बारे में, क्योंकि अभी जो ओला ने तो कह दिए कि वो अगर आप फाइनेंस करते हैं तो आपको एचडीएफसी, आईडीएफसी और टाटा कैपिटल, तो इन तीनों से आप इसे फाइनेंस कर सकते हैं, और बाकी ऑप्शन जो है फाइनेंस की ऑप्शन नहीं आई है। तो उनके जो है बस हम क्या कर सकते हैं, पता नहीं और फाइनेंस सिस्टम शायद आ सकता है या नहीं। तो इन तीनों से अगर आप फाइनेंस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको पूरे के पूरे कैश पे देकर लाना पड़ेगा। बहुत सारे कह रहे हैं कि भाई बजाज फाइनेंस है नहीं है क्या, तो बजाज फाइनेंस उनके तरफ से ऐड नहीं हुआ है, पता नहीं वो अच्छे परसेंटेज उनके तरफ से शायद उनको मिलता होगा। तो इसलिए अगर आपके पास इन तीनों है तो आप इससे फाइनेंस कर सकते हैं। तो ये थी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के तरफ से कुछ अपडेट। तो कैसी लगी अपडेट कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों सवेर रखना,
आपके लोकेशन पर बहुत जल्द पहुंचेगा ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर टेस्ट ड्राइव के लिए। तो तैयार रहना टेस्ट ड्राइव के लिए। तो कैसी लगी अपडेट कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।